लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भी भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में तेजी दिखाई दी। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को दो जगह जनसभाएं की और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के 70 साल के शासनकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आम जनता सोचती रहे कि कोई ऐसा है जो अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि देश की जनता के लिए आए और पीएम मोदी ऐसे ही नेता हैं। अपनी जनसभा में अमित शाह ने कहा, 20 साल से मैंने नरेंद्र मोदी को छुट्टी लेते नहीं देखा। 24 में से 18 घंटे वो काम काम और सिर्फ काम करके देश को आगे ले जाना चाहते हैं। दूसरी ओर राहुल बाबा हैं जो थोड़ी गर्मी होते ही विदेश में चले जाते हैं। युवा हैं, अकेले हैं, जाएं, लेकिन वो जाते ऐसे हैं कि उनकी माँ भी ढूंढती रहती है कि बिटुआ कहाँ गया। अमित शाह के इस बयान को सुनने के बाद मुझे राहुल गांधी की वो छुट्टियाँ याद आई जो वो अक्सर लिया करते हैं। मेरा मतलब है कि अचानक से वो बिना किसी को बताए विदेशी दौरे पर निकल पड़ते हैं और कई दिनों तक गायब रहते हैं। हालांकि मैंने जब गांधी परिवार के वेकेशन की टाइमिंग और जगह को देखा तो मेरे मन में कई सवाल उठे और मुझे हैरानी हुई कि देश में दशकों तक शासन करने वाली पार्टी के लिए परिवार और रिश्तेदार और करीबी देश से ऊपर हैं। वो देश की सत्ता में रहते हुए देश के युद्धपोत का इस्तेमाल भी अपने निजी हित के लिए कई बार करते हैं। हैरानी तो तब हुई जब ये पाया कि भारत पाक युद्ध के समय किस तरह से गांधी परिवार छुट्टियां मनाने देश से बाहर चला गया था। तो चलिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अमित शाह के बयान में कितनी गहराई है। साल 1950 के जून के महीने से जुड़ी दो तीन तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर मैंने देखी, ये तस्वीर इंडोनेशिया यात्रा पर गए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की थी, जहाँ वो सपरिवार युद्धपोत में आराम करते नजर आए थे। इस दौरान उनके साथ उनकी बेटी इंदिरा, उनके पोते राजीव गांधी और संजय गांधी भी थे। इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। यही नहीं, 50 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने यूरोपियन महिला मित्रों को ले जाने के लिए एयरफोर्स के जेट विमान का इस्तेमाल करते थे। एमओ मथाई ने भी अपनी किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ द नेहरू एज में भी इसका जिक्र किया है। इस किताब में एक चैप्टर है जिसका शीर्षक है यूज ऑफ एयरफोर्सेज एयरक्राफ्ट बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसमें बताया गया है कि जब उस समय तत्कालीन रक्षा सचिव जेडी कपाड़िया ने नेहरू को एयरफोर्स का प्लेन देने से मना कर दिया था तो उनका तबादला कर दिया गया था। इसके बाद अगले रक्षा सचिव ने नेहरू को एयरफोर्स के जेट विमान इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद साल 1971 का वो समय जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात थे, तब राजीव गांधी देश सेवा करने के बजाय छुट्टी लेकर सपरिवार इटली चले गए थे। उस समय भारत सरकार ने सभी पायलटों की छुट्टी भी रद्द कर दी थी। सिर्फ एक पायलट की छुट्टी रद्द नहीं की गई थी और वह पायलट कांग्रेस के युवराज और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सुपुत्र राजीव गांधी थे। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान राजीव गांधी, सोनिया गांधी अपने बच्चों प्रियंका और राहुल के साथ देश छोड़कर इटली चले गए थे और जब मामला शांत हुआ तब वो वापस लौटे थे। ऐसे में ये सवाल उठाना लाजमी है कि उस समय उन्हें किस बात का डर था। अब राजीव गांधी तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी तो इस सवाल पर जवाब दे सकती है ना। दिन रात देश सेवा और त्याग का राग अलापने वाले क्या ये बता सकते हैं कि जब 1971 के युद्ध के समय जब देश के सभी पायलटों की छुट्टियां रद्द की गई थी, तब राजीव गांधी को छुट्टी कैसे और क्यों मिली? तब उनमें देशभक्ति का ज्वार क्यों नहीं उठा था? हम उनके देशभक्ति की भावना पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उस समय जो हुआ उसका जवाब तो आम जनता के सामने आना ही चाहिए ना। आखिर उस समय राजीव गांधी अपने कर्तव्य से क्यों पीछे हट गए? हाल ही में जब पीएम मोदी ने बताया कि किस तरह राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए करीबन 10 दिन तक नौसेना के युद्धपोत INS विराट को टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया गया था, तो सोशल मीडिया पर इस खबर की सच्चाई जानने की होड़ लग गई। जब हमने थोड़ा सा गूगल सर्च किया तो सच भी सामने आ गया। वास्तव में 30 दिसंबर 1987 को राजीव गांधी अपने रिश्तेदारों के साथ लक्षद्वीप के खूबसूरत और निर्जन द्वीप बंगाराम पिकनिक मनाने गए थे। इस दौरान राजीव गांधी के ससुराल वाले भी उनके साथ ही थे। यही वो वक्त था जब गांधी परिवार को ले जाने के लिए INS विराट का इस्तेमाल हुआ था। इसकी जानकारी हमें 30 साल पुरानी न्यूज़ रिपोर्ट्स में भी मिलती है। हालांकि नौसेना के शीर्ष पूर्व अधिकारी एडमिरल रामदास ने इन खबरों को झूठ बताया, लेकिन उस समय के अखबार भी झूठ बोल रहे हैं। इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है? अपने पिताजी की तरह ही राहुल गांधी को विदेश घूमने और छुट्टियां मनाने का बहुत शौक है और वो इसके लिए ना समय देखते हैं और ना ही देश की जरूरत समझते हैं, बस बिना बताए निकल जाते हैं। साल 2012 में राहुल गांधी नए साल की छुट्टियां मनाने फ्रांस गए थे।
जिसमें से एक फोटो में वो एक युवती के साथ दिखाई दिए थे और ये फोटो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही। हालांकि बाद में दावा गलत साबित हुआ था कि वो राहुल गांधी की पत्नी है। इसके बाद जब कांग्रेस के शासनकाल में उत्तराखंड बाढ़ से जूझ रहा था, तब जून 2013 में भी राहुल गांधी विदेश में छुट्टियां मना रहे थे। इसके अलावा राहुल गांधी साल 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले गुप्त स्थान पर छुट्टियां मनाने निकल गए थे, जिसका पता किसी को भी नहीं था। उस समय सोशल मीडिया पर उनके गायब होने को लेकर काफी चर्चाएं थी। यही नहीं, उनके गैर मौजूदगी को लेकर सवाल संसद तक में उठा तो कांग्रेस को बचाव में उतरना पड़ा था। लेकिन जब वो वापस आए तो किसी ने भी स्पष्ट नहीं किया कि आखिर वो गए कहाँ थे और क्यों गए थे। इसके बाद साल 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राहुल गांधी फ्रांस चले गए थे। वह अचानक देश से बाहर चले गए थे, जिसकी चर्चा खूब हुई थी। और आखिर वो अचानक कैसे गायब हुए, और जब 57 दिनों बाद दिल्ली लौटे तो पता चला कि वह बैंकॉक म्यांमार घूमने गए थे। जब बिहार विधानसभा चुनाव पास था तो वो विदेश में बैठकर छुट्टियों का आनंद उठा रहे थे। वहीं जब दिसंबर 2016 में नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस मुखर थी, तब भी राहुल गांधी विदेश चले गए थे। इससे उनकी गैर मौजूदगी में विरोध की धार भी पार्टी के लिए कुछ कमाल नहीं कर पाई थी। एक तरफ उनकी पार्टी इस मुद्दे पर खूब झल्ला रही थी, वहीं पार्टी के हाई कमान विदेश की यात्रा पर थे। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि पिछले साल राहुल गांधी अपनी खाट सभाओं को छोड़कर नए साल की छुट्टियां मनाने लंदन निकल गए थे। जब देश में कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, तो उस समय भी राहुल गांधी पार्टी पर ध्यान देने की बजाय घूमने में व्यस्त थे। हद तो तब हो गई जब पिछले साल केरल बाढ़ से जूझ रहा था, तब राहुल गांधी ब्रिटेन और जर्मनी की यात्रा पर निकल गए थे। ये सभी घटनाक्रम दिखाते हैं कि जब गांधी परिवार को देश में रहकर देश के साथ खड़ा होना चाहिए, तो ये लोग छुट्टियां मनाने निकल जाते हैं।